अरे दामाद जी, ये क्या तरीका है? और आज तो आपने मेरे पैर भी नहीं छुए। अरे मम्मी जी, ये ना संस्कारी दामाद होने का नाटक अब मुझसे नहीं होता। वैसे भी हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं, तो अब बहुत हो गया, अब मुझसे नहीं होता। राज? क्या राज? अरे ईसा, तुम्हारा पति ऑफिस से आया है और तुम ना माँ से बातें करने में लगी हो। एक कप चाय भी नहीं बनाई तुमने मेरे लिए। चाय तो छोड़ो, तुमने पानी तक की नहीं पूछी। जब भी तुम्हारी माँ तुम्हारे घर पे आती है ना, तुम्हारे नखरे 7वें आसमान पे चले जाते हैं। और सासू माँ, आप क्या देख रही हो? इस सब में ना आपकी गलती है, आपने ना अपनी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दिए। राज, ये तुम किस तरीके से बात कर रहे हो मेरी माँ से? अरे तुम्हें रिश्ते का ही ना सही, लेकिन उनकी उम्र का तो लिहाज होना चाहिए ना। ईसा, बहुत लिहाज कर लिया मैंने, अब मुझसे नहीं होता। अरे हम एक ही शहर में रहते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम्हारी मम्मी जी हर 4 दिन बाद आके मेरे घर पे बैठ जाएंगी और यहाँ ना हराम की सेवा कराएंगी। और आप मम्मी जी, आप ना एक काम करो, मेरे लिए ना एक कप चाय बना के ला दो। राज, अब तुम ना ज्यादा बोल रहे हो, और तुम कान खोल के सुन लो, वो मेरी माँ है तो वो चाय नहीं बनाएंगी। क्यों नहीं बनाएंगी? और क्या हुआ, तुम्हारी माँ है तो मेरे लिए एक कप चाय नहीं बना सकती? हरगिज नहीं बनाएंगी, वो मेरी माँ है, नौकरानी नहीं है इस घर की, जो तुम्हारे लिए चाय बनाएंगी। और हाँ, जिस घर में मेरी माँ की इज्जत नहीं है, वहाँ मैं भी नहीं रह सकती। चलो माँ, अब हम इस घर में ना एक मिनट भी नहीं रह सकते। रुकीशा, कोई कहीं नहीं जाएगा। पर माँ क्यों? क्योंकि राज की माँ इस घर की नौकरानी नहीं है। आज दामाद जी ने मेरे साथ बदतमीजी की तो तुझे इतना बुरा लग रहा है, और आज सुबह जब तूने उनकी माँ के साथ बदतमीजी की तो सोच उन पर क्या बीती होगी। उनने सब कुछ फोन करके मुझे बताया था। पर तुम तो ऑफिस गए थे ना? हाँ, मैं ऑफिस गया था, पर मैंने ऑफिस जाने से पहले ना तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। ईसा, मैं ना ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। राज, तुम्हारा लंच। अरे हाँ ईशा, मैं ना तुम्हें बताना भूल गया, आज ना गांव से माँ आ रही हैं और वो हमारे साथ ही रहेंगी हमेशा के लिए। क्या है राज, तुम्हें तो अच्छे से पता है ना, आज मेरी दोस्त आने वाली थी, उन्हें भी आज ही आना था। अरे तो क्या हुआ, माँ ही तो हैं। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे माँ, आप आ गई। मम्मी नमस्ते, आप ठीक तो हो ना? हाँ हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ, अभी तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं ना शाम को आके आपसे बात करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। हाँ माँ, आप ना आराम करो। हाँ। देखो मम्मी, मैं ना राज के सामने कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहती थी। देखो, मुझसे ना कोई उम्मीद मत रखना, मैं गाँव की बहू की तरह ना संस्कारी नहीं बनूंगी। हाँ, एक दो दिन की बात थी तो चलता था, लेकिन आप तो हमेशा के लिए आ गई हो यहाँ पर। मैंने तो मना करी थी बेटा, लेकिन क्या करूँ, राज ही ऐसा है, वो जिद पे अड़ गया कि माँ आप बीमार हो, अकेली हो गांव में, इसलिए आप मेरे पास आ जाओ शहर में रहने के लिए। तो बस बेटा, मैं इसीलिए आ गई, मैं तो गांव में ही ठीक थी। बस माँ बस, मेरे सामने ना ये इमोशनल ड्रामा करने की ना कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। जब राज आएंगे ना शाम को, तो उनके सामने आप शरीफ बनने का नाटक करोगी। और हाँ, एक बात और, मैं ना कोई आपकी नौकरानी नहीं हूँ, तो आपको अपने काम खुद ही करने हैं। आप अपने काम खुद ही करोगे तभी यहाँ रह सकते हो। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं तो गांव में भी अपने काम खुद ही करती हूँ, तो यहाँ भी कर लूंगी, ये घर अपना ही तो है। और माँ, ये कैसे कपड़े पहने हैं आपने? एक बात बोलूँ मैं आपको, शहर के नौकर भी ना आपसे ज्यादा अच्छे लगते हैं, आप तो उनसे भी ज्यादा गए गुजरे लग रही हो। और हाँ, एक बात ना कान खोल के सुन लो, आज मेरे दोस्त आ रहे हैं घर पे, तो उनके सामने ना इस हालत में आने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी वजह से वो लोग मेरी बेइज्जती करें। क्या कमी है बेटा इन कपड़ों में, तन ढकने के लिए सही तो है। अरे माँ बस करो अपने ड्रामे, और हाँ, जितनी जल्दी हो सके ना यहाँ से चली जाना, बहुत एहसान होगा आपका। ईसा, ऑफिस जाते टाइम ना दरवाजे के बाहर खड़े होके मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी थी। अरे तुमने किस तरह से बात की थी मेरी माँ से, तुम्हें शर्म नहीं आई इतनी बेइज्जती कहते हुए उनकी? देखा बेटा, आज दामाद जी ने मेरे साथ बदतमीजी की तो तुझे इतना बुरा लगा, और तू सोच, तूने उनकी माँ के साथ इतनी बदतमीजी की तो उनको कितना बुरा लगा होगा।
मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मेरी बेटी ऐसा कर सकती है। क्या ऐसे संस्कार दिए हैं मैंने तुझे? और दामाद जी ने जो कुछ भी किया है ना आज मेरे साथ, वो मैंने उनको करने के लिए कहा था ताकि तुझे अपनी गलती का एहसास हो सके। और जब किसी अपनी के ऊपर गुजरती है ना, तब पता चलता है कि कितना बुरा लगता है। माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मुझे ये एहसास भी हो गया कि राज को कितना बुरा लगा होगा जब मैंने उनकी माँ के साथ बदतमीजी की। माँ मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। और राज तुम भी मुझे माफ कर दो और मैं माँ से भी माफी मांग लूंगी। मैंने जो आज किया है ना, आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। कोई बात नहीं ईसा, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। ठीक है माँ, अब आप दोनों बात करो, मैं ना चाय बना के लाती हूँ।